आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। पीएम मोदी दो दिनों की यात्रा पर पहुंचे ऑस्ट्रिया। चांसलर कार्ल नेहमर ने की पहली मुलाकात, हुआ भव्य स्वागत। चांसलर कार्ल नेहमर ने पीएम मोदी के साथ तस्वीरें पोस्ट कर कहा, भारत से और मजबूत होंगे रिश्ते। यूपी के उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा, बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस दूध कंटेनर के पीछे घुसी, 18 की मौत, 19 घायल, मृतकों में शामिल 10 लोग बिहार के। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बुधवार 10 जुलाई को हुआ मतदान, 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे नतीजे। 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट मौजूदा विधायक के निधन से हुआ खाली। अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने की मांग वाली ईडी की याचिका पर एससी में टली सुनवाई, अब 15 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। केजरीवाल को 12 जुलाई की सुनवाई में वर्चुअली पेश होने की अनुमति। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने अब बीएसपी छोड़ी, बीजेपी में हुए शामिल। छतरपुर में आप विधायक करतार सिंह तंवर और सदुल्ला जहां बाढ़ से पार्षद उमेश सिंह फोगाट ने भी बीजेपी का थामा दामन। मालीवाल मारपीट केस में केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, शुक्रवार को आएगा फैसला। मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से मांग सकती है गुजारा भत्ता, कहा मामले में सेकुलर कानून ही चलेगा। नोएडा में 18 साल से कम उम्र के युवाओं द्वारा दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर माता पिता के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई। वर्ली हिट एंड रन मामले में पीड़ित परिवार को सीएम शिंदे ने की 10 लाख के मदद का ऐलान, आरोपी के पिता राजेश शाह को शिवसेना के पार्टी के पद से हटाया, आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। जहीर खान या लक्ष्मीपति बालाजी में से कोई एक बन सकता है टीम इंडिया का नया बॉलिंग कोच, 27 जुलाई से श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज से कोच गौतम गंभीर के साथ टीम इंडिया में संभालेंगे अपना कार्यभार। खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।